गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास चल रही है आपकी, ये क्लास है किरण की 10,500 किताब, जो मैं पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास है मेंस्ट्रुएशन की। देखो, मेंस्ट्रुएशन में बहुत चीज़ें आपको एडवांस की, मतलब ज्यामिति की दी गई हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ज्यामिति आपको पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी हैं तो जब SSC का मेंस का एग्ज़ाम होगा तब आपको सिखाऊंगा। वो क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग है और केवल मेंस के स्टैंडर्ड के ही हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं। अपने आप चाहो तो कोशिश कर लेना, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा जब आपके मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो चलिए, आपके सामने पहला सवाल जो है स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए सवाल, करिए कोशिश। क्या सवाल है देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, DE AB और BC के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या करना है, सीखिएगा समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है त्रिभुज ABC और C, यहाँ पर DE यह है AB और BC के मध्य बिंदु है, तो ये है यहाँ पर D और ये यहाँ पे है E। आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ट्रायंगल ABC मतलब पूरा, और समलंब ट्रेपिज्म आपसे पूछा गया, ट्रेपिज्म ADEC के एरिया का अनुपात, मतलब ये वाला एरिया, ये ट्रेपिज्म आपका बना और पूरा एरिया। देखो, तो पूरा एरिया तो 4 हो गया, ये 3 हो गया। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, 4 3 कैसे हो गया, तो एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी किसी ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाकर तुम एक ट्रायंगल बनाओगे तो इसका जो एरिया होता है पूरे का 1/4 होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जब एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अगर अब तुम यहाँ पे इसका मध्य बिंदु एक ये बना दो, क्योंकि ये मध्य बिंदु पहले ही था, ये पहले ही था, इसको मिला दो तो कहोगे ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 4, और समलंब कितना हो गया, 3 हो गया। आंसर समझ में भी आ गया होगा, कर लेंगे इसे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नया पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। आगे है नेक्स्ट टाइप, नया क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला सवाल है आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 है, उसका क्षेत्रफल, सबसे आसान तरीका बताऊँ, सबसे आसान तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, x² / √3, खत्म, आंसर। अभी कोई जादू नहीं है, समझा रहा हूँ कैसे बना, देखना। 18 का स्क्वायर और बटे √3 का ऊपर नीचे गुणा करा लो, तो आपने जैसे ही 3 का भाग दिया, ये 3 बन गया आपका, 3 का भाग दिया 6, तो 18 × 6 = √3, खत्म, आंसर हो गया, सही समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, तुम्हारी आदत क्या है, तुम याद करोगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, फिर कहोगे भैया √3/2 हमने पढ़ा था, का मान 18 है, फिर यहाँ से a का मान निकाल लोगे, फिर यहाँ पे रख दोगे, आंसर तो फिर भी आ जाएगा ना। तो जैसा मैंने वैसा करो, थोड़ा समझदार बनो, समय बचाओ, तो कॉन्सेप्ट सीखो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कह रहे किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 104 है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। अच्छा ये बताओ, बटे में 2 3 4, बटे में क्या है 2 3 4, एक ऐसा नंबर मानो जो 2 3 4 से कट जाए, 2 3 4 से कट जाए 12, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब उसके लिए बड़ी भुजा 6 का मल्टीपल, मानो एग्जाम में समय कम था, लगा दिया आंसर। ये हमने क्या बोला, आपसे बार बार सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा समझदार बने, कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है और बिना सॉल्व किए हमें दिख रहा है, लेकिन आपकी आदत क्या पड़ी हुई है, जब तक सॉल्व ना कर लो तब तक विश्वास नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ना देता, वो आपको एक उमार सीट की जगह एक आंसर सीट देता आपको, और वहाँ लिखता कि 1 से 50 नंबर तक आंसर लिख के दो। ये ऑप्शन जब उसने दिए हैं, वो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप अपनी समझ को बढ़ाओ, कम समय में पेपर करो, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने 100 क्वेश्चन करने, जब तुम्हें 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं तो समय बचाना है, और ये ऑप्शन समय बचाने के लिए देता है,
तुम लोग इस्तेमाल करते नहीं हो, फिर कहते हो कि भैया हम सीख नहीं पा रहे हैं, हमारा पेपर नहीं हो पा रहा है। करोगे तुम भाई कुछ ना भी समझाएं, 6, 4, 10, 3, 13 और ऊपर से कहो x मान लो, 6x, 4x, 3x, फिर लिखना 13x = 104, फिर 13 का भाग देना, x का मान निकालना 8, फिर 8 छंग निकालना 48, 8 6 32, 8 3 24, सही है गलत नहीं, लेकिन समय खराब किया ना। जब आंसर दिख रहा था तो देखो, नहीं दिख रहा होता तो करते हम लोग। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए क्या सवाल है। कह रहा है भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, उसके स्वामी मतलब कोई व्यक्ति है उसके चारों तरफ घेरने के लिए 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्चा करता है। अच्छा, घेरने का मतलब परिमाप होता है। अब तुम किसी चीज़ की बाउंड्री करा रहे हो, बड़े बाउंड्री कहाँ कराते हो, परिमाप मतलब चारों तरफ। लेकिन उसने बोले तुम्हें पेड़ लगवाने हैं, बागवानी लगवानी है, निराई करानी है, जुताई करानी है, तो एरिया पे होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, तार लगवाना है ना। अब ये बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ, 6,000, तुमने 7.5 का भाग दे दिया। अब 7.5 का भाग देने में कष्ट तो होगा, तो थोड़ा स्मार्ट बनो ना, पहले 15 का भाग दो बाद में आधा कर दो। तो 15 / 2 लिख सकते हो ना, इतना तो स्मार्ट तुम लोग होगी, इतने भी स्मार्ट नहीं हो। तो 15 से भाग दिया, 15 × 60, 400 × 2, 800 मिल गया, खत्म। लेकिन तुम पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, आराम से कटोगे, वैसे भी एग्जाम में समय है, तो 800 आ गया। अब उसने बोला इसका परिमाप, तो परिमाप तो पता है ना, 2l + b। अब ये मल्टीपल ऐसा मत करना कि 5x 3x करना है, साठ कर देते हो, समझदार बनो। तो 2 से ऐसे काटा कितना मिला, 400, 5 × 3 = 8, 8 का मान 400। अब तुम निकालोगे क्या, लंबाई पहले निकालना, चौड़ाई पहले निकालना, फिर दोनों का अंतर निकालना। अरे समझदार बनो भाई, अंतर पूछा है, अंतर लो ना सीधे। और ए 8 का मान 400, 2 का मान पूछा है, 8 का मान 400, 1 का मान 50, तो 100 का मान 2 का मान 200 हो गया। 8 का मान 400 तो 2 का मान 100 हो गया। उससे बोला लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है, तो अब सीधे 5 और 3 का मान क्यों निकाल लो, 5 और 3 का अंतर लो, अंतर वही तो मिला सीधे। लेकिन तुम्हारी आदत में आ चुका है, तुम पहले लंबाई निकालोगे, फिर चौड़ाई निकालोगे, फिर अंतर लिखोगे, और फिर आंसर लिखना, फिर गोला भरना। ठीक है, कोई बात नहीं, करो। शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है और SSC के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, वेरिएबल मान के मत करिएगा, किताब का मेथड मत देखिएगा, वरना आने वाला नहीं है। किताब का मेथड यहाँ नहीं देखना, 2 पेज का दिया है लगभग, उठा के देखना है एक बार। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करो, कोई इम्प्रूवमेंट हो हमेशा नंबर मांग के कोशिश करो। अगर आप नंबर मांग से करते हो सवाल को बिल्कुल आसान कर पाओगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तीसरी भुजा से दुगुनी है, तो प्रत्येक जो समान वाली भुजा है तीसरी भुजा की दुगुनी है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक त्रिभुज है समद्विबाहु और एक त्रिभुज है समबाहु। अच्छा, अगर तुम समबाहु को बांटना चाहो तो सबसे आसान है भुजा 10 मान लो, आराम से स्क्वायर हो जाता है। अगर ये 30 हो गया तो इसको तुम्हें बांटना है, तो 12 × 6 कर लो, बराबर भुजा प्रत्येक की दुगनी, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अब इसके बाद उसने बोला क्या है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तुम्हें इसका एरिया निकालना है और फिर इसका एरिया निकालना है और फिर दोनों का रेशियो बताना है। देखो, अच्छा ये एरिया सभी को पता है, समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर सबको पता है, किसको नहीं पता है, सब ठीक चुके हो पहले भी। इसका एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या तो हीरोज़ फॉर्मूला से या तो इस पर लम डाल दो। अब ये बराबर है तो ये तो यहाँ 3 हो जाएगा ना। अब ये 3, ये एंगल 90, तो ये लेंथ निकाल सकते हो ना। अब इसके लिए भी स्मार्ट बनूँ, कैसे स्मार्ट बनूँ, सीखो, रेशियो ले लो 1:4, ये निकालना है, 4 का स्क्वायर 16 में 1 गया 15, तो ये मिला √15, कितना मिला √15, और तुमने काटा किससे था, 3 से गुणा करा लो, हो गया। लेकिन तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी आदत क्या है, जब तक तुम पूरा ना लिखो कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और वर्गमूल ना निकालो, तब तक मज़ा नहीं आता। कोशिश करना,
एक बार बेसिक करना, फिर ये सीखना, फिर कहोगे भैया पहले से बहुत समय बचने लगा, कोशिश तो करना है एक बार। अब ये बताओ, ये तो हाइट आ गई ना, तो क्या करना है, एक बटे दो बेस, बेस हो गया छः, हाइट हो गया 3√15। अब इन दोनों का लेना है रेशियो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे आपने काटा तो कितना मिला, इससे आपने काटा कितना मिला, 3। अच्छा 3 तय कितना हुआ, 9, और 9 गुणे 4 कितना हुआ, 36, और √3 से काटा तो आ गया √5, तो 36√5, और यहाँ क्या बचा, 100, खत्म हो गया 36√5 रेशियो 100। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाया और सवाल हो गया, लेकिन एक बार किताब का मेथड उठा के देखना, ये क्वेश्चन कम से कम 1.5 पेज का है, कम से कम 1.5 पेज का है, उठा के देखिएगा एक बार, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए और समझिए, कोशिश करिए, क्या सवाल है देखिएगा, क्या है, माना कि त्रिभुज ABC ABD समान आधार AB पर है और समांतर भुजाओं के बीच AB और CD के बीच। अच्छा ये बताओ, ये आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि बेस इक्वल और समांतर भुजाओं के बीच है तो हाइट भी हो गई बराबर, और बेस भी बराबर और हाइट भी बराबर, तो दोनों के एरिया भी कैसे होंगे बराबर, और दोनों के एरिया बराबर तो सवाल हो गया। केवल सवाल को ध्यान से पढ़ना था, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है देखिए, समझिए, कोशिश करिए कि अपने आप करिए, चलिए करिए कोशिश। सवाल क्या है देखिए, 2√3 यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या x है, x का मान बताओ। अच्छा ये बताओ, अब सब लोग अंतर्वृत्त परिवृत्त बहुत अच्छे से सीख चुके हो पहले वाले क्वेश्चंस में, आपको डायरेक्ट ये पता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तक याद हो गया था कि जब आपको कोई त्रिभुज दे दिया जाए, ठीक है, जब आपको कोई त्रिभुज दे दिया जाए तो भैया एक बार चलो वापस चलते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको एक ट्रायंगल दिया गया, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या r = a/√3 और a का मान क्वेश्चन में दिया 2√3, तो r का मान एक, तो बस यही तो क्वेश्चन का आंसर था, शायद आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 38, क्या सवाल है देखिए और समझिए, कोशिश करिए कि आसान करिए, क्या है देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, देखो माध्यिका की लंबाई, टाइपिंग एरर है थोड़ा, आप लोग समझदार बने, माध्यिका है ठीक है, माध्यिका की लंबाई बोला है ये, तो त्रिभुज का एरिया। अच्छा आप एक चीज बताओ, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही तो उसकी ऊंचाई होती है, ये पॉइंट तो आपने बहुत समय मतलब हमेशा ही पढ़ा है, उसकी माध्यिका ही उसकी ऊंचाई होती है, पता है ना। तो अब ये बताओ, अभी आपने सीखा था ना, ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3, आपने इसका स्क्वायर किया तो 144 × 3 मिला, और बटे कितना है √3, ये ऊपर √3, 144√3, खत्म आ गया होगा। तुम्हारी आदत a/√3 बराबर 12√2, √3 से √3, a का मान 24, और जब a का मान 24 तो एरिया निकालना सीखा, √3/4 भुजा स्क्वायर आएगा, तो भाई कैसे भी करो, शायद समझ में आ गया होगा, कर लेंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें और समझें, ठीक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 24 है, अंतर्वृत्त की भुजाओं पर स्पर्श कर रहा है, शेष भाग का एरिया लगभग में क्या होगा, भाई करना आप लोग, मैं समझा दे रहे हैं, करिएगा आप लोग, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है 24, एक अंतर्वृत्त हो, एक अंतः व्रत को स्पर्श कर रहा हो, अच्छा ये मतलब एक व्रत को स्पर्श कर रहा हो, शायद ये कहना चाह रहा है, देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो शेष भाग का एरिया लगभग, त्रिभुज के शेष भाग का एरिया
त्रिभुज के शेष भाग का एरिया मतलब गलत हो गया, ठीक है। अगर त्रिभुज के शेष एरिया की बात कर रहा है तो ये अंदर बनेगा और शेष भाग मतलब ये पूछेगा। अगर ये बोला होता कि वृत्त के शेष भाग का एरिया तो ऐसा बन जाता, ठीक है, तो इतना दिमाग तुम लगा लोगे। असर ये बताओ, इसका आर का मान तो तुम्हें डायरेक्ट पता है, कैसे निकालते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू ए बाई टू रूट थ्री, तो ए का मान तो तुम्हें आर का मान तो आ ही जाएगा, ए का मान पता है, तो करना क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है माइनस सर्किल का एरिया निकालना है, मान रखने हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चन का आंसर। अब ये काम तुम्हारा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये काम तुम्हारा है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, एग्जाम तुम्हें निकालना है, हमें केवल समझाना है कि कैसे तुम्हें करना है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, समझिएगा, एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, क्या बोला है, त्रिभुज का परिमाप। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताओ, ये सबने सीखा है, सब पहले पढ़ चुके हो, किसी भी त्रिभुज में जब अंतर्वृत्त बनता है तो ये जो पॉइंट है ये तो सभी जगह बराबर होता है, तो ये बोला है आपको 4, ये बोला है 4, ये बोला है 4, और बोला उसका एरिया दे दिया 34, तो ये बताओ आप जब इसका डेल्टा इज्क्वल टू या आर इज्क्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ये तो पढ़ा होगा ना, कैसे बनते हैं, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं, परेशान नहीं होना, अगर पढ़ा है तो सीधे आंसर आ गया, नहीं पढ़ा है तो बता रहे हैं कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं, क्षेत्रफल 34 भैया 34, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4, तो ये दे दी 4, पूछा है एस का मान 4 से भाग दे दिया, पहले 2 से भाग दिया 17, फिर 2 से भाग दिया 8.5, क्वेश्चन का आंसर 8.5। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बता दीजिए सर कैसे करते हैं, क्योंकि तुमने पहला वीडियो देखा नहीं होगा, पहला देखा होता तो गुस्से नहीं, चलो नहीं देखा कोई बात नहीं, सुनो दोबारा समझ लो, दोबारा सुन लो, आपको एक ट्रायंगल दिया गया, एक विषम बाहु त्रिभुज, जब इसके कोणों का बाइसेक्टर करते हो, जहां पर मिला इसे कहते हैं इन सेंटर, रेडियस लेके सर्किल खींचा, ये डिस्टेंस यहां से होंगी बराबर। अगर पहले भाग का एरिया निकालो, आपने इसको 3 भाग में बांट लिया, पहले भाग का एरिया निकालो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे भाग का एरिया निकालो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तीसरे भाग का एरिया निकालो तो 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर है ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल ये हो गया 1/2 आर कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग लिखते थे 2s, पता है ना क्या लिखते थे 2s, तो क्या हो गया डेल्टा मतलब त्रिभुज का एरिया 1/2 आर, और इसको लिखेंगे 2s, कट गया तो डेल्टा बराबर क्या आ गया आर इंटू एस। अब तो ठीक है कि अभी भी नहीं आया, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब तो क्वेश्चन भी आ गया, कितना आसान सवाल था, देखना एक बार और देख लो, अगर ना आया हो तो, वैसे हो गया क्वेश्चन वो, अब तो हो गया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, आज का जो अगला सवाल है वो क्या है, देखिए और सीखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 है तो उसका क्षेत्रफल, बच्चों वाला सवाल, क्या √3/4 भुजा स्क्वायर, अब ये ना पूछना फॉर्मूला कैसे बनाए, ठीक है, क्योंकि सब तुम सीख चुके हो, तो ये कितना हो गया 9√3, तो आंसर कितना हो गया 9√3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अब अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखो समझो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं, ये माध्यिकाओं वाला पॉइंट पूरा आपको समझाना है, ठीक है, माध्यिकाओं वाला पूरा पॉइंट समझाना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अभी सिखा देंगे, ट्रायंगल में सिखा देंगे, परेशान नहीं होना। अभी सीधे फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला ये है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयों का योग उसके परिमाप से कम होता है। अब ये तुम्हें चीज़ पता होगी, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी परेशान नहीं हो, सीख लेना ये, ठीक है। तो ये है 18, ये है 24 और ये है 36। ट्रायंगल का एरिया होता है 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्या लिखोगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और देखो माध्यिकाओं की लंबाई से पता चलता है कि माध्यिकाओं की लंबाई से पता चला कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, तुम देखा 6 से काटा 3, 4, 5 समकोण बना, तो 4/3 समकोण का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, अब 3 से काटा तो 6, 2 से काटा तो 12, 12 छंग 72 और 72 सत्ते
72 नहीं सॉरी 72 गुणे 4 है, तो 4 दूनी 8 और ये कितना 28। खत्म आंसर। तो शायद सभी को आ गया होगा, सभी लोग कर लेंगे। क्या फॉर्मूला क्या लिखना है? ट्रायंगल का एरिया बराबर 4/3 त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के एरिया का, मतलब किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के एरिया का कितना होता है? 4/3। ठीक है, तो बस ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। माध्यिकाओं का पूरे पॉइंट का वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होना। केंद्रक क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, ये सब आप सीखोगे। लेकिन कहाँ सीखते हो ये सब चीज़ें? ये सीखते हो ज्यामिति में, मेंस्ट्रुएशन में सब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि किरण की किताब है, एसएससी दोनों मिक्स पूछता है, तो यहाँ पे दिया है। लेकिन वो आप अलग से सीखोगे, उसके लिए परेशान मत हो, अभी लगाते चलो, सीखते चलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 43 नंबर, जितने भी नए सारे सवाल हैं, 43, 44, 45, ये जितने भी सवाल है, ये मैं आपको फिर बता दूँ कि मेंस के बैच में ही बताऊँगा। या तो यहाँ एग्जाम करना पड़ेगा या यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एक बार किताब में इसके मैटर देख सकते हो, सारे बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, मेंस के सेंटर का दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन सिखा दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपसे जैसा कि बोला कि जब मेंस का बैच होगा तब मैं आपको सिखाऊंगा, मेंस वाले क्वेश्चन अभी कर लीजिए। अर्थमेटिक में पूरा पढ़ूंगा प्री प्लस मेंस, लेकिन एडवांस चीज़ें पढ़ाऊंगा किरण में, वो प्री को अलग पढ़ाऊंगा और मेंस को अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुनना, क्योंकि मेंस के एग्जाम में समय पर्याप्त होता है, लेकिन प्री के एग्जाम में समय इतना नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन अभी सिखा सकें और तुम लोग सीख सको, वो दोबारा पढ़ लीजिए। सवाल ये है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी बराबर 5 है, आपको 5 ही है, एसी बराबर अंडर रूट 41 है, अंडर रूट 41 है, और बीसी बराबर 8 है, बीसी यहाँ पे 8 है। इसके बाद बोला है एडी बीसी पर लंब है, ये एडी है जो कि बीसी पर क्या है, लंब है, ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। अब इसके बाद क्या बोला है, ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया। अगर इस सवाल को आप लोग सॉल्व करने लगे, समय बहुत लगेगा, थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा जूम कर लो, ठीक, थोड़ा समझदार बनो। देखो अगर ये कर्ण 5 है तो भुजा 4/3 होगी, ये तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। असल ये बताओ, ये अगर टोटल 8 है, ये 3 है, तो ये 5 हो, अभी तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, इसका कर्ण का स्क्वायर कितना किया था, 41 हुआ, 25 में 41 में से 25 गया तो कितना मिला, 16, और 16 इसका स्क्वायर 4 का, सेटिस्फाई हो गया, ये आपका सेटिस्फाई हो गया। इसका एरिया आपसे पूछा है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू 5, तो बेस है 3, राइट है 4, 2 से काटा, क्वेश्चन का आंसर 6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप कर पाएंगे, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपने यहाँ कोशिश करना। चलो मैं आपको सामने ये लिख दिया है मैंने, ठीक है, सवाल लिखा होगा, करना है एक बार कोशिश, कितना समय लगता है आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितना समय दिमाग लगाना है। ठीक है, लेकिन मैं जब जनरेटिव पढ़ूंगा तो जरूर सिखा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन सही से बना ले रहा हूँ, ये यहाँ पे दिया है बी, बना लीजिए कोशिश करिए करना है तो, और वैसे मैं कह रहा हूँ अभी छोड़ दो, परेशान मत हो, आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पे बोला है ए बी सी और डी, पर इसका एरिया आपसे पूछा ए बी सी डी का, एक बार करना कोशिश करें। ठीक है, करना और बताना कैसा। अगला सवाल जो आपके सामने है वो भी सेम ऐसे ही है, ये क्वेश्चन सारे मेंस वाले हैं, ये क्वेश्चन 18 के मेंस में आया था। अगला सवाल भी देखो सेम ऐसे ही है, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर 18 मेंस का है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है, आपको दिया है पी क्यू आर, ट्रायंगल है यहाँ पे पी क्यू आर, रियल एंगल है पी क्यू आर, और इसके बाद आपको बोला है इसके अंदर जो उसने बोला है पी क्यू यू का एरिया आपसे पूछा है, पी क्यू यू का एरिया आपसे पूछा है, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, कुछ ऐसा बना होगा, सॉल्व कर लेंगे, आपको उम्मीद है आप इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सवाल देखिए और समझिए क्या सवाल है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले देखें, समझें।
कह रहे हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। आगे बोले हैं भुजा पांच भुजा या एस भुजा क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है जो कि पी एस को का कोण का विभाजन करती है। यदि पी क्यू रेशियो पी आर बराबर 2:3 है तो बताइए पी एस आर का एरिया क्या है। ध्यान देना सुनना पर आराम से बनाते हैं इसे। यहाँ बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, जिसका एरिया दिया है 180। एस क्यू पर क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है जो इसे 2:3 के अनुपात में बांटता है या कोण का विभाजक करते हैं और क्या करते हैं 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो बोला गया है पी एस आर का क्षेत्रफल क्या है ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताइए सुनो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी भुजाओं का रेशियो 2:3 है, कितना है 2:3 है। अब इसने बोला है अगर तुम इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो, किसी ट्रायंगल में अगर तुम हाइट निकालो तो हाइट दोनों में समान आ जाएगी। जब हाइट समान आ जाएगी तो इनके एरिया का अनुपात 2:3 आ जाएगा और 2:3 5 5 का मान 180 तो 1 का मान कितना आ जाएगा 36, तो 36 × 2 और 36 × 3 पूछा किसका पी एस आर, पी एस आर आंसर 108। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। इसके अगर तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पहले ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, तब मैं क्वेश्चन लगाइए तो एसएससी के सारे क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक है, ये सही तरीका होता है। अगर मैं क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के एग्जाम की वजह से, नहीं यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, परेशान नहीं होना। पहले एक बार ज्योमेट्री पढ़ना फिर लगाना, ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, अभी मजबूरी है क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे तो बच्चों के एग्जाम में होंगे। ठीक, अब ये सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, फिर बोला है कि यदि पी क्यू आर का व्यास पी क्यू वृत्त का व्यास है और पी आर बराबर 10 है तो त्रिभुज का एरिया क्या है, क्या करना है सीखिए समझिए। उसने बोला गया है पी क्यू आर की त्रिज्या 14 है, यहाँ पे इसकी रेडियस जो है 14 है। अब ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया गया है तो ये वाला एंगल यहाँ पे 90 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये बताओ ये मान कितना दिया है 10, तो ये मान आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब कैसे निकाल सकते हो देखना, आप इसका ले लो रेशियो, तो ये हो गया 7, ये हो गया 5, तो ये वाला कर्ण है ना 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये सॉरी 14 ये है, 14 ये है, तो ये टोटल कितना हुआ 28 हुआ। ठीक है, तो अब आपसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको ये लाइन निकालनी है तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 28 का स्क्वायर माइनस किसका 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आपने क्या किया इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 28 और ये कितना हुआ 18। अब इसे क्या बाहर आ सकता है, तो आपने इसे लिखा, ये लिखा है 19 × 2 और ये लिखा है 2 × 9, तो 9 से बाहर कितना आया 3, इससे बाहर कितना आया 2 और इसके बाद क्या आया अंडर रूट 19, अंडर रूट 19 वाला ये आंसर हो गया खत्म, ऐसे किया। अब ये वाला आंसर ही क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है एरिया क्या होता है समकोण का 1/2 बेस इनटू हाइट, ये एंगल 90 है तो ये 10 हो गया और उसका मान आपने क्या निकाला कि आपने निकाला क्या कि 18√19, तो बस आपने इसे सॉल्व कर लिया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, देखिएगा सुनिएगा समझिएगा, ठीक कर रहे हैं आप लोग। देखना ये यहाँ से 2 लिया 2 बाहर आया, ठीक है, यहाँ से 3 बाहर आया तो 2 × 3 कितना 6, ठीक है कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 से काटा तो हाँ ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन का आंसर आ गया 30√19, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा मजार बनिए। ठीक सवाल है, ये एंगल 90 था तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो गया 28, तो आपने इसमें ये निकाला एक्स का मान निकाला 1/2 बेस इनटू हाइट लगाया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, आज का अगला सवाल क्या है देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल क्या है देखिए, एक संपूर्ण त्रिभुज में पी क्यू बराबर क्यू आर है, त्रिभुज का कर्ण जो है वो आपको बोला है 20 है तो इसका एरिया, देखो आप सभी को पता है अगर किसी भी संपूर्ण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला एंगल होगा 45, ये वाला होगा 45 और ये वाला होगा 90। आप ये सभी को पता है कि 45 45 90 साइन रूल से इसका जो भुजाओं का रेशियो होता है 1:1:2 होता है,
क्या होता है, वन रेशियो रूट टू होता है। ये इसके सामने की भुजा रूट टू के बराबर, ये एक और ये। अब तो रूट टू का मान यहाँ पे 20 है, तो एक का मान निकालोगे 20 बटे रूट टू, ऊपर नीचे रूट टू का गुणा करा दिया तो कितना मिला 10 रूट टू। अगर ये वाली भुजा 10 रूट टू मिल गई, ये भुजा 10 रूट टू मिल गई, ये भी भुजा 10 रूट टू मिल गई, आपने इसका एरिया निकाला तो 1/2। अब देखो 10 × 10 100 × 2 तो 200 और 2 का भाग दिया तो 100। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक सवाल है, आंसर क्या हुआ 100। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए और समझिए। क्वेश्चन बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की भुजा एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आप सभी कर लेंगे इसे। इसका एरिया हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, इससे आपने काटा दो, आंसर 16√3 क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 है, इसकी भुजा ज्ञात करें। अच्छा, एरिया बोला है ना, एरिया क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर का मान दिया है 49√3, √3 से √3 घटा a स्क्वायर बराबर 49√4, ये हो गया 7/2, a का मान आ गया 14। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है आ गया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एरिया सभी को पता है ना कि √3/4 भुजा स्क्वायर, बस a का मान रखा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला सवाल आपके सामने है, 8 सेंटीमीटर दिशा वाले वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या है। तो उसने बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल एक ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर है, ये 8 बोला है, ये भी 8 बोला है, ऊंचाई से पूछिए। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पूछा है। अब ये बताओ यहाँ पे जो आर का मान है 8 है, और यहाँ पे भी क्या है 1/2 8 × h है, 8 से 8 कट गया तो क्या मिला, एच का मान क्या मिला 16π, एच का मान क्या मिला 16π, यही क्वेश्चन का आंसर है, एच का मान गया 16π। ठीक है, शायद आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपने सबने समरूप और सर्वांशम बचपन से पढ़ा होगा, सवाल बहुत आसान होता है, बस दिमाग लगाएं। ठीक, कह रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं, ABC का एरिया 100 है, इसका एरिया 49 है, इसका शीर्षफल 5 है, 10 का मान 5 तो 7 का मान 3.5। क्वेश्चन का आंसर खत्म। अब आप कहोगे कैसे इसका आंसर 3.5 हुआ, तो सीखो समझो। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये है डी, ये है कि एरिया दिए गए हैं 100 और 50 दिए गए। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये समरूप है तो ट्रायंगल ABC बटे ट्रायंगल DEF बराबर इनकी भुजाओं का रेशियो AB बटे DE का वर्ग बराबर AC बटे DF का वर्ग बराबर BC बटे EF का। ये कंडीशन तो पता है, अगर आपको ये मालूम है सवाल होगी। ठीक, असल ये बताओ, ये दिया है 100, ये दिया है 50, बराबर क्या है, कोई इसकी भुजा मान लो AB और DE। अब इसमें एक मान दिया है, एक मान आपसे पूछा है, आपने इसका जब रूट निकाला तो रेशियो क्या 10 और 7 दिया है, और एक मान बोला है 5, ये वाला मान पूछा है, और 5 का मान 10, 3 का मान 2, तो इसका मान 7.5। क्वेश्चन का आंसर x का मान 3.5, तो आंसर क्या है 3.5। ठीक, तो शायद सभी को आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त की दिशा 3 है, तो उसका परिमाप क्या है। जैसा कि आप सभी को सीख चुके हो क्या कि
किसी भी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की दिशा आर स्क्वायर टू डेल्टा अपॉन एस, ये दिया है 3, ये दिया है 15, ये है एस, तो एस का मान अगर तुमने निकाला तो आ गया 3s बराबर 15, तो ये एस का मान आ गया कितना, 3 से काटा तो 5 और 5 दूनी कितना 10, क्योंकि परिमाप को 2s से लिखते हैं, आप सभी को पता है कि परिमाप को 2s से लिखते हैं, ये बात सभी को पता है, कर लेंगे से आप इसका कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके हो कि आज कल टू डेल्टा अपॉन एस कैसे होता है, ये आप पूरा सीख चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए, ठीक सवाल कह रहा त्रिभुज ए सी ई में बी और डी, भुजा ए सी और सी पर बिंदु हैं, बी डी समांतर है ई के और ए ई 8/3 बी डी का है, तो ट्रायंगल बी डी सी और ए ई सी के एरिया का अनुपात क्या, ध्यान दीजिए सीखिए समस्या, त्रिभुज ए सी ई, ए है सी है और ई है, बी डी भुजा ए सी और सी, ए सी और सी पर दो बिंदु, ये है बी और ये है डी, बी बी समांतर, ये इसके समांतर है, चलिए ठीक है, आगे बोला ए ई बराबर है 8/3 बी डी, मतलब अगर ये तीन है, अगर ये तीन है तो ये क्या है, देखो तो यहाँ पे क्या है, दो समरूप त्रिभुज बना लो जिसकी जैसे ये भुजा 3 है तो ये क्या है 8 है, अगर इतनी बार समझ आ रही समरूप बन गया तो अगर ये 3 होगा तो ये भी 8 होगा, रेशियो तो वही बनेगा। अब आगे उसने क्या बोला कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले जो ट्रायंगल पूछा कौन सा पूछा, बी डी सी, बी डी सी की भुजा का रेशियो 3 तो एरिया 9, आगे कौन सा पूछा है ए ई सी, मतलब पूरा ट्रायंगल पूछा है, पूरा ट्रायंगल पूछा है तो पूरा ट्रायंगल मतलब 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो क्वेश्चन का आंसर है 9:64, तो उम्मीद आप सभी सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो ऊपर सवाल आपको लगाइएगा, मैं क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है, थोड़ी आप लोग भी मेहनत करें। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक इकाई है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक इकाई है, तो इसके समांतर डी ई समांतर बी सी के है, तो यहाँ पर डी ई जो है ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ बोला है जो डी ई है ये समांतर है बी सी के, आगे इसके बाद बोला है जो कि ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है, ठीक है जुड़ रही है डी और ई बिंदु है, ए डी और बी डी का अंतर, ए डी और बी डी ये दिया है 1 और ये दिया है 6, ऐसा उसने बोला, तो त्रिभुज ए ई ई दो त्रिभुज ए बी ई और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अंतर, अच्छा ये बताओ सुनना दिमाग लगाना, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, ये भुजा 1 है ये 6 है तो टोटल से 7 ही हो जाएगी और ये हो जाएगी 1, तो अगर इस वाले एरिया की बात की तो 1 का स्क्वायर 1, और पूरे ट्रायंगल की बात की तो इसका एरिया 50 और एक डी ए इसका एरिया 1 और इसका एरिया 49, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे समझ आ गया होगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, तो आगे ऐसे आपके सामने 5 सवाल और हैं, तो आप लोग कोशिश करें दिमाग लगाएं और थोड़ा बहुत कोशिश करें। ये क्या है, प्रत्येक एक्स मीटर भुजा वाले एक त्रिकोणी मैच का क्षेत्रफल 50 70 और 80 है, तो भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणी मैच के क्षेत्रफल के बराबर है, तो एक्स का निकटतम मान क्या है, तो देखो एक्स मीटर भुजा वाले एक त्रिकोणी मतलब जिसकी तीनों भुजाएं त्रिकोणी मतलब कि त्रिकोणी घनान 50 70 80, देखो 50 70 80 से एरिया निकाल लो और एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर कर दो और एक का लगभग मान पूछा है, मतलब पहले रोज फॉर्मूला से एरिया निकालो बराबर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर कर दो एक का लगभग मान निकालो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो उम्मीद है आपको करेंगे ऐसे। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल देखिए समरूप का ही है, अगला क्वेश्चन समरूप का ही है, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, पहले करिएगा नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, तो बस आगे आपके कुछ 4-5 सवाल और हैं, उनको आप लोग लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, यहाँ से आपके 1 से लेकर 61 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बैच में अगली क्लास में, थैंक यू।